आजकल तो सब्जियों में वो मजा ही नहीं रहा। एक हमारे जमाने में कच्ची सब्जियां खाने को दिल जाता था। दादू, सब्जियां मुझे ही पसंद है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो पिज्जा के ऊपर। अरे हाँ बेटा, याद आया, तुम तो मुझे पिज्जा खिलाने लेके जा रहे थे। अरे आप इस उम्र में पिज्जा कैसे खाएंगी? मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, दरमियान में लुकमा देने की जरूरत नहीं है। अशोक, ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक, बहुत टाइम हो गया हम सब बाहर खाना खाने नहीं गए। हाँ। और जब सब जाएंगे तो बिल भी नहीं देना पड़ेगा मुझे। ठीक है फिर, कल हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये बाहर जाके खाना खाने पे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और अगर बहुत दिल चाह रहा है तो तुम दोनों चले जाओ, हम सब साथ जाएंगे तो मजा आएगा। वाह भाभी वाह, क्या बात की है, ऐसा ही करेंगे। जहां देखी तरी वहां बिछा दी दरी, हां चमचा कहीं का। अच्छा चले फिर, डिसाइड हो गया है, कल हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। डन डन। ऐसे मौके पे मुझे अपनी बच्ची तैयबा बहुत याद आती है। देखो ना, भाई की शादी भी अटेंड नहीं कर सकी, और वैसे भी कौन सा भाई ने अपनी शादी दो चार महीने आगे कर ली तैयबा के लिए। इंशाल्लाह फुरकान की शादी में जरूर आएगी।